हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आंचल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन चैनल में। और पर्यावरण अध्ययन में आज ही हमारा तीसरा पाठ है, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक जैव विविधता एवं संरक्षण, पार्ट 3। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो जैव विविधता होती है उसके हिसाब से पूरा का पूरा जो भूमंडल है या फिर पूरी की पूरी जो धरती है उसे अलग अलग क्षेत्रों में बांटा हुआ है। तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है पूरे पूरे आंसर के रूप में। तो आप लोग इस लेसन को ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, समूचे विश्व या फिर भूमंडल में उपस्थित अलग अलग जगह हैं और वहाँ पे अलग अलग जलवायु होते हैं। वहाँ के जो पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, वो अलग तरीके की होती है। कहीं पे ठंड ज़्यादा होती है, कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो जीव जंतु मिलते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इसी के आधार पे हर जगह की जैव विविधता अलग अलग होती है, उनके जलवायु के हिसाब से, उनकी स्थलाकृति आदि के हिसाब से। तो उसी हिसाब से पूरे के पूरे भूमंडल को टोटल 4 तरीके के क्षेत्र में बांटा गया है। देखिएगा, अत्यधिक जैव, एक सेकेंड, एक तो है आपका अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको जैव विविधता देखने को मिलती है। फिर होता है अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, कम जैव विविधता वाले क्षेत्र और न्यूनतम जैव विविधता वाले क्षेत्र। तो सबसे पहले अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। विश्व में उपस्थित ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जल, थल और ताप प्रचुर मात्रा में होता है और ऐसे स्थानों पे जैव विविधता जो है वो सर्वाधिक होती है, उसे अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। मतलब ये है कि वहाँ पे बारिश भी बहुत अच्छी होती है, वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है समझ लीजिए, और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत प्रचुर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु जी सकते हैं, उग सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है। अब ये जो अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं वो 2 से 3 से 4 तरीकों में बटे हुए होते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो ऐसे भूभाग जहाँ पे जो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, किंतु जीवों की जो संख्या होती है वो कम होती है। मतलब प्रजाति बहुत सारी होती है, मतलब 50 प्रकार के आपको जीव मिलेंगे, बट एक प्रकार का जीव जो है उसकी संख्या कम होती है। विश्व का केवल 13% भाग की उष्णकटिवर्षी मतलब कि भार टोटल पूरे विश्व में टोटल 13% जगह जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र का होता है, लेकिन पूरे विश्व भर की लगभग 50% प्रजातियाँ जो है वो यहाँ पे मिलती हैं इस 13% इलाके में, और इसी क्षेत्र को जो है जैव विविधता का भंडार कहते हैं। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति, ये समुद्री पारितंत्र में जीवों के अनुकूलन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है, और यहाँ पे हमको जो है जो अधिकांश प्रजातियां जो हैं वो मतलब समुद्रों के आसपास पाई जाने वाली इसके इर्द गिर्द मिलती हैं, इसको प्रवाल कॉलोनी भी कहते हैं। क्योंकि समुद्र में सर्वाधिक प्रजाति प्रवाल कॉलोनी पाई जाती है, अतः इसे समुद्र का वर्षावन कहते हैं। मतलब ये जो आपका प्रवाल भित्ति होता है वहाँ पे हमको मैक्सिमम जो है प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं समुद्री। तो जैसे हमने देखा था कि थल में आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन होता है, वहाँ पे हमको बहुत सारी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, तो वैसे ही समुद्री इलाके में इस प्रवाल वृत्ति में हमको सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इसे समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। भारत में टोटल 2375 किलोमीटर² प्रवाल भित्ति पाया जाता है और विश्व की सबसे लगभग 3000 किलोमीटर² एवं यहाँ पे 3000 से ज़्यादा जो है प्रजातियाँ मिलती हैं। विश्व के 103 देशों में प्रवाल भित्तियाँ हैं, जिसमें वर्तमान 93 देशों की जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो विलुप्त होने की कगार पे हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है आर्द्र भूमि जैव विविधता वाले क्षेत्र। जल और थल के संक्रमण से, मतलब जिसको आप मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं, जहाँ पे जो दलदल जैसी जहाँ का सरफेस होता है तो उसको हम आर्द्र भूमि कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है जो सागर और ज़मीन के तट पे होता है और दूसरा अंतरस्थली। अंतरस्थली का मतलब होता है कि इसमें सागर वगैरह नहीं होता, बट ये ज़मीन के बीच में होता है, ये नदी वदी के पास होता है।
तो सबसे पहले सागरीय अथवा पटवर्ती आर्द्र भूमि में ऐसी आर्द्र भूमियाँ समुद्र के तटवर्तीय क्षेत्र होती हैं। यहाँ पे खनिज लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि पक्षियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अंतरस्थलीय आर्द्र भूमि जो है ये क्या होता है, ये नदियों के तट पे होती हैं, बाकी सेम वही चीज़ होती है। इसमें भी लवण की मात्रा, खनिज लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी प्रजातियों के लिए अनुकूलित वातावरण प्रदान करती है। फिर आपका आता है उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, तो ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता बहुत ज़्यादा मिलती है लेकिन उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र से कम होती है। अब ये तो हमने देखा था अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, नेक्स्ट है आपका अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता दो भागों में बांटी होती है, मतलब एक तो है, मतलब ये जो अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं उसमें कौन कौन सा एरिया आता है, एक तो आपका आता है वेस्टर्न यूरोप या फिर पश्चिमी यूरोप, और दूसरा मानसूनी वर्षा क्षेत्र, जहाँ जहाँ पे मानसून की बारिश होती है, जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया आदि। तो पश्चिमी यूरोप, यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है जिसके कारण यहाँ का तापमान कम रहता है और वर्षा अधिक होती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो जैव विविधता होती है वो पर्याप्त होती है। मानसूनी वर्षा क्षेत्र, यहाँ पे भारी वर्षा तथा लघु शीत ऋतु होती है जिससे कि तापमान कम होता है। यहाँ विरल तथा मजबूत पेड़, शेर, हाथी, गादी मिलते हैं, मतलब यहाँ पे भी लघु शीत ऋतु होता है, भारी वर्षा होती है, जैसा कि हमने भारत में देखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हमको जैव विविधता देखने को मिलती है। तीसरा होता है घास का मैदान, यहाँ की जलवायु जो है वो शीतोष्ण कटिबंधी होने के कारण तापमान कम होता है, यहाँ लंबे लंबे घास होते हैं और यहाँ पे माश जो है ज़्यादातर शाकाहारी जीव पाए जाते हैं। अब कम जैव विविधता वाले क्षेत्र, देखिए हमको इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि इनमें से कौन से जो है वो अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, कौन से अधिक वाले हैं, तो ये चीज़ आपको ये याद होना चाहिए, जैसे पश्चिमी यूरोप, मानसूनी वर्षा क्षेत्र, घास का मैदान आदि। कम जैव विविधता वाले क्षेत्र, इनमें मरुस्थलीय क्षेत्र आते हैं, मतलब जो आपका रेगिस्तान वगैरह के एरिया होता है, पानी की कमी के कारण इनका जो यहाँ पे जो जीव पाए जाते हैं वो मरुद्वीप द्वीप पाए जाते हैं, और यहाँ पे कांटेदार वृक्ष मिलते हैं, ऊंट मिलते हैं, जो कि हमको राजस्थान और जो बाकी रेगिस्तान के एरिया में है वहाँ मिलता है। अब आता है आपका सबसे कम जैव विविधता वाले क्षेत्र, तो ध्रुवीय प्रदेश, जो पोलर रीजन होता है, जो कि हमेशा बर्फ से आच्छादित रहता है, वो इस श्रेणी में आता है, यहाँ पे न्यूनतम जैव विविधता पाई जाती है। उपरोक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि जैव विविधता जल चक्र तथा ताप पर निर्भर करता है ना। हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ का ताप प्रचुर मात्रा में होता है, वहाँ की जैव विविधता बहुत अच्छी होती है, लेकिन वहीं जहाँ पे बारिश नहीं होती, तापमान बहुत कम होता है, जैसे कि आपका ध्रुवीय प्रदेश, तो वहाँ पे आपको न्यूनतम जैव विविधता देखने को मिलती है, तो वो इसी तरीके से है। विश्व के कुल 15 लाख प्रजातियां खोजी गई हैं, जिसमें से जो 2.5 लाख प्रजातियां हैं वो पादप की हैं। भारत में विश्व के कुल पादप प्रजातियां कितने मिलते हैं, 17.7% विश्व की जो प्रजातियां हैं वो भारत में मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब ये लेसन मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट लेसन में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।